round of applause for RM Group of Colleges. Thank you so much, sir and ma'am, again. Thank you for sponsoring this event and also. Walaikum salam. मैं आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस, आप सब मुझे जानते होंगे, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ. ट्रक चलाता हूँ. ट्रक चलाने के साथ साथ मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ. यूट्यूब पे मेरे 2,80,000 सब्सक्राइबर हुए हैं. आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके वजह से आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब स्टेज पे आया हूँ. हार्ट बीट थोड़ी तेज हो रही है क्योंकि इससे पहले कभी आया ठीक है. चाहिए बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच. एक आम इंसान को इतना खास बनाने के लिए अभी मतलब सबसे पहले को एक ही वर्ड मेरे वीडियोस में होता है, रेस्पेक्ट ट्रकर्स. बिल्कुल ट्रक ड्राइवर्स को रेस्पेक्ट किया करो क्योंकि ये देश के आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं. बिल्कुल एक दिन गाड़ी का चक्का बंद होगा ना, देश में खाना पीना भी मुश्किल होगा. ये सिटी को अरे कभी सोचा है आप लोगों ने ये जो हमारे पास लाइव स्टॉक पहुंचता है ये कैसे पहुंचता है? मतलब कभी आपको ये भी सोचना है ना कि अगर अगर हमारे पास लाइव स्टॉक पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी माल हो रहा है वो कैसे पहुंचता है, वो भी पहले कभी आपको देखना चाहिए. ताकि मतलब मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं, मैं आपको अपनी मतलब जो स्ट्रगल है ट्रक लाइफ है वो दिखा रहा हूं. ताकि आजकल के दौर में, आजकल क्या मुझे लग रहा है, इससे पहले भी ट्रक ड्राइवर को रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था. मतलब बहुत छोटी नजर से लोग देख रहे हैं. मतलब हम ये नहीं सोचे कि मतलब मैं पूरी रात चल के आया अभी मेरी आंखें काले हैं, यहां से काले हो गए. क्योंकि पहले आप ये सोचो, दो दिन सेठी भाई चल के आया, तीन दिन चल के आया, इसने हमारे लिए जो लाइव स्टॉक सब्जी वगैरह फ्रेश जो भी होता है यहां पहुंचाया. ठीक है, मैं तीन दिन चल के आया, आप खुद सोचो तीन दिन जाके क्या होगा, बंदे को हालत ही खराब हो जाएगी ना. आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इसने दारू पिया है, इसने चरस पिया है, ऐसा नहीं ना हमें सोचना है. क्योंकि हम भी तो इंसान है ना, हम भी अपने माँ बाप के लाडले होते, हम भी परिवार छोड़ के जाते हैं. इसलिए अगर एक फौजी बॉर्डर पे ड्यूटी देता है, एक सैनिक जिसको हम सैनिक बोलते हैं, वो बॉर्डर पे ड्यूटी देता है, वो किस लिए देता है? देश के लिए. हम भी तो देश के लिए दे रहे हैं ना, हम भी देश को चला रहे हैं. हमारे अभी कश्मीर में जितने भी मतलब फौज है उनको जो भी लाइव स्टॉक पहुंचता है वो तो हम ही पहुंचा रहे हैं ना. हमारी ट्रक की वजह से वो यहां पे पहुंच रहा है. एक दिन चक्का बंद होगा तो खाना पीना मुश्किल होगा. कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग कभी ब्लॉक होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कैसा है, थोड़ी सी बारिश पड़ जाएगी तो रोड ब्लॉक होगा. तो जब रोड ब्लॉक होगा, रोड ब्लॉक होने के बाद ये आप कभी सोचो, याद छो ये वाटर मन इस पेट्रोल राटने का सन. ओके तो इतना ही कहना चाहता था कि ट्रक ड्राइवर्स को रेस्पेक्ट किया. इनको ऑडियो रेडी है? ऑडियो रेडी है इनका? अरे भाई वही तो फोन कर रहे हैं, रेडी है? चलो जी तब ऑडियो प्ले किया जाए. उनको कुछ नहीं सुन रहा है, उनको गाना सुन रहा है. उसका म्यूजिक आप नहीं सुनना, बस जो उसकी लिरिक्स है उसको थोड़ा सुनना. ओके म्यूजिक, सॉरी अभी मत लगाइए म्यूजिक, मैं थोड़ी सी दो चार लाइनें अपने सेठी एक्सप्रेस भाई के लिए पेश करना चाहता हूँ. वो अभी आते आते मैंने लिखा था, तो अर्ज है. किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे गई उठाने के लिए, किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे गई उठाने के लिए, अल्फाज नहीं मेरे पास इस दीवाने के लिए, अल्फाज नहीं मेरे पास इस दीवाने के लिए. तुम पूछो तो औकात हमारा भी सुनो, तुम पूछो तो अवकात हमारा भी सुनो, सेठी तो नाम ही काफी है इस महफिल के लिए. सेठी जून धरेल तो उतना जोश नहीं है लोगों में, थोड़ा जोश बनाए प्लीज. तो मैं सेठी बोलूंगा, देखते
कौन कौन सेठी को चाहता है वो एक्सप्रेस बोलेगा। सेठी एक्सप्रेस, सेठी एक्सप्रेस। बस ये जो अभी गाना प्ले होगा ना, वो मेरा स्ट्रगल है जो कि मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत बताऊंगा उसके बारे में। मतलब उसमें सेठी भाई की मतलब लाइफ स्ट्रगल है जो भी सेठी भाई ने आज तक किया है वो मैंने लिखा है, प्रोड्यूस भी मैंने किया है, तो बाकी सॉन्ग भी मैं करता हूं। उससे पहले एक बात पूछनी है ना, कभी अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी है? बिल्कुल। एक बात बताओ आप सबको, कभी मतलब मैं शर्माता नहीं हूँ, शर्म नहीं आती है मुझे। एक बर्तन धोने वाला अभी आप सबके सामने है, ये आपको एक इतनी बड़ी मिसाल है ना, अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप खुद सोच सकती हो। मतलब जो कि मैंने इस क्या बोल रही है रैप सॉन्ग लाइफ स्ट्रगल में लिखा है, मैंने 1500 पे काम किया, कभी शूज भेजे, कभी बना मैं पेपर वाला बस गत सम्रावल बैठी। ये लोग पूरी समझ जाएंगे इस सॉन्ग से। डल लेक जो है ना, डल लेक यहाँ पे हाउस बोट में मैं काम कर रहा था, वहां पे बस 1500 रुपया तनख्वाह मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी। चलो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सबकी वजह से, आप सबकी सपोर्ट की वजह से आपके सामने मैं अभी खड़ा हूँ। दुख ने इतने दुख दिए, दुख ने इतने दुख दिए, दुख भी हार के रुक गए, मेरे दर्द के सामने दुख भी आके झुक गए। दोस्त मेरे साथ खड़े, दुश्मन को आग मनाता मौज हूँ मैं। कौन की रसून जिगर गया, फिकर फिकर नो लिकर, 12 चक्का नो टिपर, सेठी जून नो टिपर नो, जस्ट किलर। दुख ने इतने दुख दिए, दुख भी आके रुक गए, मेरे दर्द के सामने दुख भी आके झुक गए। चलो सिटी भाई थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां सिटी एक्सप्रेस के लिए। हेलो हेलो, सो ये थे आप सबके सामने सिटी एक्सप्रेस, द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रक ड्राइविंग टू व्लॉगिंग, एंड आप सब इनके व्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं।